अच्छा, अब ये आखिरी जाते जाते पूछ लूं कि आपकी पार्टी जो है वो GHQ की सपोर्ट के बगैर आएगी, क्योंकि आपके ऊपर है कि आप जनरल बाजवा के बड़े करीब थे, इसलिए आपकी साबका जमात जो है वो नाराज हो गई। मिफ्ता भाई, मेरी बहन, ये अब बड़ी फैशनेबल बातें होती हैं करने की। इसीलिए सच्ची पूछ बात रही यह है, हूं। सच्ची बात यह है कि 5 महीने मैं जेल में गया था, और मुझे तो किसी ने पहले से वार्न करके नहीं भगवा दिया था कि यार तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो 50 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रहा था, एवरेज एवरेज पे 70 रोज के मच्छर मारता था। तो मुझे तो किसी ने कोई कोई मतलब कि मेरे पास ना फोन था, ना टीवी था, ना ये था, ना वो था। तो मतलब ये कैसी बातें करते हैं। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें मैंने करी हैं 4 साल के अंदर खान साहब के माशी जी प्रोग्राम के खिलाफ, और किसने, 4-5 लोग थे ना मुस्लिम लीग में, हसन इकबाल साहब, मरियम ठीक, औरंगजेब साहिबा, हाँ शाहिद अब्बासी और मैं, जो सारा दिन बैठ के अपोजिशन करते थे। तो इस किस्म की झूठी बातें कर देना तो बड़ा आसान है, लेकिन अच्छा लेकिन बाहर मतलब लेकिन 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 लेट जी मी सेट दिस, के बाजवा साहब से एक मेरी दोस्ती थी, उनके जब जनरल बनने से पहले की दोस्ती थी। तो मैं ठीक, खुदा ना खास्ता मतलब मैं कोई मुनाफिकत नहीं कर रहा हूँ, उनसे दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी दोस्ती के अंदर मुझे जेल में रोक जाने से रोका नहीं है। ठीक है, जो भी करना था, या नैब के आपको कोई नोटिस, रिलीफ नहीं वो, ये दिलवाया? सब, ठीक ठीक बात ये है सब बिल्कुल चलता रहा था। ठीक जी, है, बहुत और मैंने भी जाके अल्लाह की मेहरबानी से कभी अपनी जबान बंद नहीं की है। ये हम जानते हैं जी, बहुत जो शुक्रिया।